वन वेलकम औ वेलकम बैक टू वर्सिटाइल आई होप होप्स बहुत अच्छे होंगे सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू बहुत टाइम से यूज हो रहा है प्रोडक्ट एंड वांटेड टू शेयर द रिव्यू विद यू ऑल सो दैट कि आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आपको पता हो कि क्या प्रोडक्ट है कैसा प्रोडक्ट है आपको लेना चाहिए या नहीं तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगेन सो so फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं सेंट ब्रिटानिका बायोटिन एंड कलाज़न हेयर मास्क की रिगार्डिंग ये जो प्रोडक्ट है गाइस ये जो हेयर मास्क है इन्फ्यूज है बायोटिन एंड कलाजन से जो कि हमारे बालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसका जो काम है वो है बालों को मोटा बनाना हेल्दी बनाना थिक बनाना बालों को लंबा करना ये सभी जो है आ, काम है इस हेयर मास्क के जो यहां पर मैंशन है इसके अलावा इसका जो प्राइस आ जाता है वो है फाइव नाइन नाइन रुपीज एंड इसकी जो क्वांटिटी है टू हंड्रेड ग्राम्स क्वांटिटी हमें इस कंटेनर में मिल जाती है और गाइज ये जो है प्लास्टिक कंटेनर में आता है दिस इज एन एम्पीटी बॉक्स इसको मैं यूज कर चुकी हूं मेरे पास एक बैकअप ऑलरेडी है तो मैं इसमें आपको दिखा देती हूं इसकी क्वांटिटी क्या होती है टेक्सचर कैसा होता है तो ओपन करने के बाद यहां पर हमें एक लिड मिल जाता है जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा गाइस प्रोडक्ट का टेक्स्चर बहुत क्रीमी है और इसका जो कलर है वो थोड़ा ऑफ वाइट में आता है और फ्रेगरेंस की बात करूँ तो बहुत ही सूदिंग सी फ्रेगरेंस है अच्छी फ्रेगरेंस है स्ट्रांग फ्रेगरेंस नहीं है आपको बिल्कुल भी हेड नहीं होगा इसको यूज करने के बाद टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है लाइक फेस क्रीम होती है वैसा ही टेक्सचर है और आ, लेट मी शो यू आ, <laughs> मतलब इजीली ऑब्जर्व हो रहा है स्किन में भी तो बालों में भी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है ठीक है गाँग? तो अब हम बात करते हैं इसके यूज की हमें इसको यूज कैसे करना होता है तो जैसे आप बाल बाल वॉश करते हैं हेयर वॉश करते हैं उसके बाद आप कंडीशनर की जगह इसको अप्लाई करके छोड़ सकते हैं पांच मिनट के लिए छह मिनट के लिए मतलब जितना टाइम आपके पास अवेलेबल हो बाथरूम में उतने टाइम के लिए आप इसको लगाने के बाद अपना हेयर वॉश कर सकते हैं जो इसका सेकेंड मेथड आ जाता है वो ये है कि आप अपने बालों को धोने के बाद आराम से अपने कमरे में बैठिए इसको अप्लाई करिए और आधा घंटा से 45 मिनट 30 टू 45 फाइव मिनट आप इसको लीव करके अपने बालों को धो दीजिए तो सेकेंड मेथड ये हो गया सो so फ्रेंड्स बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सिर धोने के बाद कंडीशनर यूज करें या इसको यूज करें तो सिर धोने के बाद डायरेक्टली आप हेयर मास्क को अप्लाई कर सकते हैं आपको कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है और अगर आप इसको लगाने के बाद कंडीशनर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं यस yes, एक हेयर मास्क को लगाने के बाद आप कंडीशनर को बिल्कुल यूज कर सकते हैं क्योंकि कंडीशनर जो होता है बालों में मॉइस्चर लॉक करने के काम आता है और बालों की कंडीशनिंग भी करता है तो हेयर मास्क का भी वही काम है बालों की कंडीशनिंग करता है मॉइस्चर प्रोवाइड करता है बट जो कंडीशनर होता है वो बालों में मॉइस्चर को लॉक करता है तो हेयर मास्क लगाने से जो भी हमारे बालों में मॉइस्चर आया है उसके बाद हम कंडीशनर लगा लेते हैं तो वो मॉइस्चर जो है हमारे बालों में लॉक हो जाता है जैसे कि हमारे बालों की स्ट्रेंथ और बढ़ती है कंडीशनिंग अच्छे से हो जाती है मॉइस्चराइज अच्छे से हो जाते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो ये तो था हम इसको कैसे अप्लाई करें ठीक है अब अब बात आ जाती है एक हेयर मास्क के यूजेस क्या क्या होते हैं हम हेयर मास्क को क्यों अप्लाई करते हैं हेयर मास्क के क्या क्या यूजेस होते हैं मतलब क्या बेनिफिट होता है हेयर मास्क को लगाने के लिए सो so फ्रेंड्स जो मेन बेनिफिट होता है एक हेयर मास्क को लगाने का वो ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हम अपने हेयर को अपने डाइट के थ्रू नहीं दे पा रहे हैं बाल ज्यादा झड़ते हैं पतले हो गए हैं और सूखे रूखे रहते हैं ड्राई रहते हैं ठीक है ना फ्रीजी रहते हैं ये सब को अवॉइड करने के लिए हमें हेयर मास्क को यूज करना चाहिए हेयर मास्क में वो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम डाइट के थ्रू नहीं दे पाते वो हम ऊपर से अप्लाई करते हैं अपने बालों के लिए ताकि बालों की जड़ों में अच्छे से वो न्यूट्रिएंट्स मिलें जो हम डाइट के थ्रू नहीं दे पाते इसलिए हमें हेयर मास्क यूज करना चाहिए इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हेयर मास्क को मतलब मार्केट uh, से ही बाय करके हम हेयर मास्क को यूज करें आप होम मेड मास्क भी यूज कर सकते हो बनाना हेयर मास्क यूज कर सकते हो मेहंदी यूज कर सकते हो मेहंदी में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके जो कि हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं मेहंदी इज ऑल्सो हेयर पैक आप दशमूल का हेयर पैक यूज कर सकते हो जो हमें फ्री सैम्पल्स मिले थे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे हेयर मास्क अवेलेबल हैं मार्केट में ठीक है या फिर आप अगर होम मेड भी करना चाहो आप कोई भी हेयर मास्क को अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हो तो अब बात आती है कि ये हेयर मास्क कैसा है ठीक है आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो फ्रेंड्स मैं अपना एक्सपीरियंस इस हेयर मास्क का आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी तो जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ एक एक कंटेनर जो है ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ और ये मेरा सेकेंड बॉक्स है जैसा कि मैं ऑलरेडी एक बैकअप ले चुकी हूँ इसका तो आ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे ये हेयर मास्क कैसा लगा होगा तो गाइज ये बालों को स्मूथ बना देता है बालों की लेंथ में भी जो है ना हेल्प करता है बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है बाल आपको हेल्दी लगेंगे इसको यूज करने के बाद और सो uh, so, uh, मतलब बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है इस हेयर मास्क के साथ एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है लाइक like, मुझे बहुत अच्छा लगा ये हेयर मास्क आप भी अगर ट्राई करना चाहें डेफिनेटली कर सकते हैं और uh, हेयर मास्क की जो फ्रेग्रेंस है माय oh गॉड इतनी अच्छी है इतनी सूदिंग है और मजा आ गया इसको यूज करने के बाद एंड गाइस इसको लगाने के बाद आपको शैम्पू नहीं करना है पालों में अप्लाई करेंगे और सिंपली आप पानी से वॉश कर देंगे तो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट है बहुत अच्छा है आपको भी अच्छा लगेगा और अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो प्राइस हाई दिखाया हुआ है यहाँ पर फाइव नाइन नाइन रुपीज बट गाइज मैंने इसको टू फिफ्टी रुपीज में बाई किया है तो सेंट ब्रटानिका की जो ऐप है ना उस पर ऑफर्स लगे रहते हैं आप अगर लेना चाहें तो ऑफर्स में इसको बाई कीजिए अराउंड टू फिफ्टी आपको ये मिल जाएगा और टू फिफ्टी रुपीज में एक हेयर मास्क जो कि आपको बायोटिन एंड क्लाजन भी प्रोवाइड करेगा आपके बालों को इट्स अ सुपर डुपर डील तो लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी और friends, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमें हेयर मास्क को कितनी देर में यूज करना चाहिए तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए एवरी फिफ्टीन डेज के बाद आपको हेयर मास्क को यूज करना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप हेयर मास्क को रोज लगाने बैठ जाओ ज्यादा भी अब किसी चीज का हम एप्लीकेशन करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है ज्यादा लगाने से क्या होगा हम जितना ज्यादा अपने स्कैल्प को ऑयली बनाते जाएंगे तो हमारे को जो है डेंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है ज्यादा लगाएंगे तो डेंड्रफ बढ़ेगा हमारे सिर में और अगर हम इसको एक मतलब परफेक्ट ड्यूरेशन के बाद अप्लाई करें जो कि है पंद्रह से बीस दिन के बाद आप हेयर मास्क को अप्लाई करिए बालों में और अगर आप मतलब अगर आप वीकली भी यूज करना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इसको जो है अपने रूट्स में मत लगाइए आप सिर्फ लेंस में लगा लीजिए अगर आपका बहुत ज्यादा दिल है आपको कहीं जाना है आप हेयर मास्क को यूज करना चाहते हैं आफ्टर सेवन डेज एक हफ्ते के बाद आप फिर से लगाना चाहते हैं तो रूट्स में इसका एप्लीकेशन मत करिए आप लेंस पे अप्लाई कर लीजिए पंद्रह से बीस दिन के बाद फिर से आप इसको रूट्स में अप्लाई कर लीजिए ठीक है तो ये भी एक पॉइंट है बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाला हेयर मास्क का यूज हम डेली नहीं कर सकते हैं और इसके अलावा गाइज मेरा तो पॉजिटिव जो है रिव्यू है इस प्रोडक्ट के लिए मुझे बहुत पसंद आया ये प्रोडक्ट तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम इससे नहीं होगी हेयर फॉल जो मेरा था वो रिड्यूस हो गया है लाइक like, uh, मैंने इसको अप्लाई किया और मैंने इसको दो चार दिन बाद देखा तो मतलब मेरे बालों का जो हेयर फॉल था बालों में वो कम हुआ है मैंने इसको दो बार अप्लाई नहीं किया मैंने इसको छोड़ दिया पंद्रह बीस दिन बाद मेरा जो है हेयर फॉल बढ़ गया था तो मैंने इसको रेगुलरली यूज करना शुरू कर दिया है मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी कम हुई है हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम भी कम हुई है बाल पहले से बेटर हो गए हैं और इसलिए मुझे ये हेयर मास्क जो है बहुत पसंद आया तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो इफ यस yes, अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको लाइक कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए कमेंट दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय